Krishna. So welcome back to my YouTube channel. Hi guys, so आज हमारे कॉलेज में सेमिनार, सो सब कॉलेज से बच्चे आएंगे, तो यार बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत मजे करने वाले हैं, तो जो जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ओके, जब तक बाय. A few moments later. गाइस तो अभी सेमिनार स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्या होने वाला है. सो यार बहुत मज़ा आने वाला है, जो जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी. ठीक है, सो जब तक बाय. यहाँ पर सब आ रहे हैं. हाँ सब आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर और कॉलेजेस से सब स्टूडेंट्स. बस अभी इस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है. अभी आ रहे हैं सब कॉलेजेस से. ये हमारे ये हो रहे हैं कॉलेज टैलेंट हंट. ये है हमारा कैंटीन. गाइस सेमिनार स्टार्ट हो गया है और हम लोग चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ. ओके गाइस, यहाँ पर जो लगा हुआ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये जो था ये प्रोजेक्ट्स थे सारे और कुछ खास वैसे है नहीं, बस यही है. ये तो वही है ना प्रोजेक्ट्स. चलो बताओ. Assalamualaikum guys, I am Faika and I am a student of medical science. My project is seminar. First we discuss the what is seminar. Seminar is a complex system of bones, muscles and joints. There are 30 bones present in our arm. The larger bone which is present in our upper arm is called as seminar. And the ulnar and radius are two other bones which is present in lower arm. And the joint is also present at the end of the fibrous and at the end of the ulnar and radius. While the rest of the 27 bones are present in our hand. The 8 are carpals and 5 are metacarpals and other 14 are phalanges, which is also known as fingers. Okay. Now let's talk about the hemin muscles. Hemin muscles is categorized into flexors and extensors. Flexors are those muscles which help bend the arm and extensors are those muscles which help to straighten the arm. पूरा सुना नहीं है और भी बहुत विस्तार से बताने के लिए गाइस, ऐसा ना कि आप लोग बोर हो जाए. इतनी बोर
बढ़िया वाली प्रेजेंटेशन नहीं थी, अच्छी थी, लाइक करके बताना। हाँ, अभी मेरे स्कूल फ्रेंड है, बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं ना फाइका, क्या बहुत टाइम बाद, मैंने बहुत मिस किया मैंने इनको, और ये दूसरे कॉलेज में हो गया, हमारे दूसरे भी स्कूल हो गया, बट इट्स ओके, आज बहुत टाइम बाद हम लोग मिल लिए इसी बहाने, बहुत मजा आया, बहुत मजा मिल के। सोया घंटे का वो लगा हुआ है और हम लोग थक के चूर हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल यार, इतनी बुरी हालत हो रही है ना, ये हमारा कैंटीन क्यों आए, वाकई यार थक गए हम लोग बहुत ज्यादा, एक जो इतना टाइम हम लोग को रखा गया उसमें, कैद में रखा गया, हमें जाना चाहिए, हमारे कैंटीन में आ गए, अभी हम लोग कैंटीन में आए, कुछ खाएंगे और फिर बताते हैं आपको, कुछ अच्छा लगे कुछ खाऊंगी, अब यहाँ अलग चीज़ें बनती हैं, वहाँ अलग चीज़ें मिलती हैं, ये पूरा हमारा कैंटीन है, गोलगप्पे वाला भाई, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। गाइस, अब मैं खाने वाली हूँ, मैं आप सबको फूड कोर्ट जा रही हूँ, फूड कोर्ट दिखाती हूँ। कैफे खलील मुझे प्यार हुआ था जैसे सॉन्ग में, ही इज माय फेवरेट। सिंधी कल्चर टाइप बना हुआ है, पिज्जा की तरह लग रहा है, पिज्जा की तरह लग रहा है, नोयान टाइप, ये देखे गाइस, स्पोर्ट्स एरिया, और यहाँ सब बास्केटबॉल खेलते हैं, बड़ा मजा आता है यहाँ पर, हम लोग अक्सर यहीं बैठ जाते हैं थक के। अभी हम लोग आए हैं जिम्नेजियम में, थोड़ा हम लोग बैठे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, सो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा बैठे हैं रेस्ट के लिए, और बस
आज तो बहुत थक गए हम लोग, क्योंकि इतने टाइम इधर उधर क्योंकि सेमिनार था, तो बिजी थे हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना। सो या वैसे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। A few moments later. Guys, हमारा व्लॉग यहीं तक था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कॉलेज में ब्लॉगिंग करूं, और आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। सो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।